वेलकम टू द वर्ल्ड दिस वीक। आई एम पुनीत सिंह, फैकल्टी मेड इजी। इस वीक की हेडलाइंस हैं, चाइना बिकेम फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च ऑफिशियल डिजिटल करेंसी CBDC, इजराइल इलेक्शन 2020, PM बेंजामिन नेतन्याहू एंड अपोजिशन लीडर बेनी गैंस टू शेयर PM पोस्ट फॉर 18 मंथ्स ईच, जर्मनी डिक्लेयर्ड लेबनान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, किम जोंग उन एंड नॉर्थ कोरिया अपडेट्स अलॉन्ग विद US नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टॉक्स, USA प्लेस्ड इंडिया ऑन वॉच लिस्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वायलेशन, 26 April 1986 वॉज रिमेंबर्ड एज इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर डे, श्रीलंका टेक्स इंडियाज हेल्प टू रीपे चाइनाज डेट एंड ग्लोबल कोरोना अपडेट्स। चाइना बिकेम फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च ऑफिशियल डिजिटल करेंसी CBDC, जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाता है। लास्ट वीक चाइना ने एक बहुत स्मार्ट मूव खेला है, जहां पर उन्होंने अपनी ही जो करेंसी है चाइनीज युआन, उसका ही एक डिजिटल वर्जन लॉन्च किया है, जिसे CBDC का नाम दिया गया है। उसने उसे ट्रायल वर्जन में भी स्टार्ट किया है 4 शहरों के अंदर। उनके जो 4 बड़े कॉमर्शियल बैंक्स हैं, उनको ये टास्क दिया है टू यूज़ इट एंड ट्रैक इट एंड सी कि कैसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि उनके मूव से करीब 4 या 5 बड़े उनको फ़ायदे होने वाले हैं। फर्स्ट, एक उनकी जितनी भी मोबाइल ट्रांजेक्शन्स होती हैं चाइना का के अंदर, आजकल कैश का अडॉप्शन बहुत कम हो गया है, मोस्टली पॉपुलेशन मोबाइल के थ्रू पेमेंट्स करती है। तो उनके यहाँ पर करीब बोला जाता है $48 ट्रिलियन का ट्रांजेक्शन हुआ था लास्ट ईयर। तो ये सारा सिस्टम बेसिकली मोबाइल पेमेंट से होता है। अब तक ये मोबाइल पेमेंट सिस्टम जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स जो वहाँ पर हैं चाइना के अंदर, उसके थ्रू होता है, तो गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करना चाहता है। सेकंड पॉइंट इज, वो मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स एविजन को कंट्रोल कर सकता है। अगर ये सारा जो प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स होती हैं, इनको अभी तक गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अगर कोई भी डिजिटल करेंसी अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उनका अपने कोडिंग है करेंसी के अंदर, तो उसके थ्रू अब टैक्स को बचाना और विदेश में बाहर पैसा भेजना और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ही टफ हो जाएगा। थर्ड स्टेप था बेसिकली ये करेंसी मैनेजमेंट के लिए। कोई भी सेंट्रल बैंक जो होता है अपनी फिजिकल करेंसी को जब मूवमेंट करता है, उसका यूज़ होता है, तो उसमें काफ़ी डैमेजेस होते हैं, उसे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा लगती है। और आजकल तो एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर कुछ लोग जिनको कोरोना से वो इन्फेक्टेड थे, वो अपने को लिख करके करेंसी को दे रहे थे और करेंसी में फिर डीक्लीनिंग हुई। तो इससे बचने के लिए भी ये ऑफिशियली काफ़ी फायदेमंद है। चौथा, एक लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए, किसी भी जगह पर जब गवर्नमेंट को कोई पैसा ट्रांसफर करना होता है बैंक्स में, एरियाज में, स्टेट्स में, तो ये अब उनको फिजिकल ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। और पांचवा जो है, वर्ल्ड में चाइना का एम है कि अपनी करेंसी को डॉलर के ऊपर एक सुप्रीम स्टेटस देना। चाइना चाहता है इसे वर्ल्ड करेंसी बनाना। पिछले 10 साल से उन्होंने एफर्ट करने के बाद करीब 2018 में IMF ने फाइनली जो चाइनीज करेंसी है युआन, उनको ऑफिशियली अपनी वर्ल्ड की बास्केट ऑफ करेंसी में इंक्लूड किया था, जिसमें SDR बास्केट ऑफ करेंसी कहा जाता है। सो इन 5 फायदों से बेसिकली देखा जाता है कि उनका ये जो मूव है डिजिटल करेंसी का, वो डेफिनेटली फायदेमंद होगा। ये बाकी करेंसियों से कैसे बेनिफिशियल है, बिकॉज जितनी भी अभी तक डिजिटल करेंसीज वर्ल्ड में आई थी, वो बेसिकली बिटकॉइन या और क्रिप्टो करेंसीज के फॉर्म में आई थी, जिसमें से बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी था, जिसके ओनर प्राइवेट प्लेयर्स थे। अगर कोई प्राइवेट बंदा करेंसी इशू करता है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, वो सिर्फ एक आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसे ही अगर कोई प्राइवेट कंपनीज भी अगर अपनी करेंसी लेके आती हैं, जैसे फेसबुक लास्ट ईयर लॉन्च किया था अपनी करेंसी लिब्रा, टू दे वर आस्किंग पीपल टू यूज इट फॉर द इंटर पेमेंट्स के लिए, तो भी इन करेंसियों की कोई लीगल वैल्यू नहीं होती है। लेकिन अगर एक कंट्री अपना डिजिटल करेंसी लेके आएगा, तो वो एक लीगल टेंडर के नाम से माना जाएगा, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट होगा, ज़्यादा फेथ होगा। तो नेचुरली अगर कोई अपनी ऐसी करेंसी लेके आया है, तो पीपल उसको जल्दी से अडॉप्ट करेंगे और चाइना को डेफिनेटली ग्लोबल करेंसी बनने में हेल्प करेगा। वी शुड ऑल्सो नो कि चाइना के अंदर जो ये प्लेयर हैं मोबाइल के पेमेंट्स के, वो 2 प्लेयर माने जाते हैं, जाने जाते हैं। एक है टेंसेंट होल्डिंग्स और दूसरे हैं अलीबाबा, जिनका एंट्स होल्डिंग्स बोला जाता है। ये दोनों कंपनियां जो हैं काफी पॉपुलर हैं चाइना के अंदर। 80-90% जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो इन्हीं के जो पेमेंट सर्विसेज सिस्टम्स हैं उनके थ्रू होती हैं। टेंसेंट की जो ऐप है वीचैट, उसे सुपर ऐप माना जाता है, और उनका इतना बड़ा इकोसिस्टम वहां पर हो गया है, जहां पर सेम वीचैट जो है करीब 50 सर्विसेज ऑफर कर रही है, चाहे वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन का हो,
चाहे कोई भी पेमेंट सर्विसेज हो, कुछ भी चीजें यूज करनी हो या कैश रखना हो वॉलेट के अंदर, वी पे इज ऑल्सो वन ऑफ द पेमेंट सिस्टम ऑफ दैट जो पॉपुलर है. ऐसे ही अलीबाबा का अली पे भी वहां पर पॉपुलर है. तो ये प्राइवेट कंपनियां जो जहां पर ट्रांजेक्शन को पहले होल्ड करती थी, वहां पर अब बीच में अब ये ऑफिशियल करेंसी आ गई है जिसके थ्रू गवर्नमेंट बहुत आसानी से अब इसे कंट्रोल कर पाएगा अपने ट्रांजेक्शन को. इंडिया में भी अलीबाबा ने अपना मूवमेंट स्टेप यहां पर खेला था और उन्होंने पेटीएम के अंदर 40% हिस्सा खरीदा और उसके बाद जो टेक्नोलॉजी इंडिया में आई उसका आपने देखा था फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी किस तरीके से फास्ट अडॉप्ट हुई थी डीमोनेटाइजेशन के बाद 2016 में. जहां पर अलीबाबा का मूव खेलते हुए अलीबाबा इंडिया में आ गया है, वहीं पर वीचैट अभी तक इंडिया में इतना डोमिनेंट रोल प्ले नहीं कर पाया था और उसी को देखते हुए रिलायंस ने एक बहुत स्मार्ट मूव खेला है. वहां पर उन्होंने फेसबुक के साथ टाइप करके, जैसा चाइना में वी पे करीब 60-70% वहां पर मार्केट होल्ड करता है पेमेंट के लिए, वैसे ही सेम सर्विसेज को अब रिलायंस जियो लेके आना चाहता है. उन्होंने ऑलरेडी फेसबुक को 10% हिस्सेदारी बेचकर उनसे टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए और बाकी सारी चीजों के लिए कोलैबोरेशन करने का अनाउंसमेंट कर दिया है. साथ में आपने देखा होगा उन्होंने जियो मार्ट भी अनाउंस कर दिया है. तो बहुत जल्दी मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर भी ये पेमेंट सिस्टम्स के, फाइनेंशियल इंक्लूजन के और टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के बहुत जल्दी मूवमेंट्स आने वाले हैं. और ग्लोबल करेंसी में अगर ये डिजिटल करेंसीज आती जाएंगी तो उससे इंडिया को भी फायदा होगा, एटलीस्ट गवर्नमेंट को यहाँ पर टैक्स रिविजन वगैरह इन सब चीजों में भी फायदा होने वाला है. तो आप देखेंगे कि बाय द वे इंडिया में जो वो आना चाहते हैं वो बेसिकली फेसबुक जो आएगा वो व्हाट्सएप के थ्रू आएगा. तो जो व्हाट्सएप है वो वहां पर शायद ये इकोसिस्टम बनाने का प्लान है. तो हमें इस न्यूज को क्लोजली ट्रैक करना है. थैंक यू. न्यू डेवलपमेंट हुआ है मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर इसराइल में. इसराइल के अंदर किसी एक पर्सन को फायदा हुआ है कोरोना का, तो वो है उनके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू. इसराइल में पिछले एक साल से 3 बारी इलेक्शन हुआ है बट कोई भी पार्टी वहां पर मेजॉरिटी स्टेक क्लेम नहीं कर पाई, उनको मेजॉरिटी नहीं मिली. तो अभी लास्ट मंथ इसराइल में दोबारा इलेक्शन हुए थे, 3rd time विद इन 1 year. और यहाँ पर भी किसी पार्टी को ना जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पार्टी या अपोजिशन पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली और ये स्ट्रगल फिर से चलता रहा. इसी को देखते हुए वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं दे हैव बेसिकली ही हैज आस्क ऑल पार्टीज टू मेक अ नेशनल गवर्नमेंट और फाइनली उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया है जिसमें एक पहले 18 महीने जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू ही विल रिमेन अ प्राइम मिनिस्टर एंड देन फॉर द रिमेनिंग टाइम के लिए जो अपोजिशन लीडर हैं बेनी गैंस उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा. तो इस तरीके से दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया है. बट यहीं पर एक जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ा स्मार्ट मूव खेला है टू गेन द पॉपुलरिटी अमंग इसराइलीज. इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अनाउंस किया है कि हम जो पैलेस्टाइन के अंदर उनके जो 2 हिस्से हैं, एक गाजा स्ट्रिप जो माना जाता है वेस्ट की तरफ और जो वेस्ट बैंक है जो ईस्ट ऑफ इसराइल में माना जाता है, बहुत बड़ा एरिया जिसमें जेरूसलम भी आता है, तो वेस्ट बैंक को एनेक्स करने के लिए, छीन के इसराइल में मिलाने के लिए उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि विद इन 2 months हम US की सपोर्ट से इसराइल इज गोइंग टू एनेक्स वेस्ट बैंक और जो भी वहां पर उसमें जो सेटलमेंट्स हैं और साथ में जो जॉर्डन का एरिया है, जॉर्डन और इसराइल के बीच में जो एरिया आता है जॉर्डन वैली, उसको भी कब्जाने का उन्होंने प्लान कर दिया है. अगर ये नेतन्याहू मूव खेलते हैं तो होपफुली वो शायद पॉपुलरिटी गेन करने के लिए वो मूव खेले हैं और मोस्ट प्रॉब्ली 18 months के बाद भी शायद वो प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं या इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दें. वी डोंट नो व्हाट विल हैपन बट इस मूव से काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है. अरब कंट्रीज वहाँ पर उस चीज़ इस अनाउंसमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और ये एक वॉर की तरफ भी मूव जा सकता है. बाय द वे आपको मालूम होना चाहिए इसराइल और पैलेस्टाइन का थोड़ा झगड़ा क्या है, 2 मिनट्स में हम जल्दी से कवर अप करते हैं. इसराइल 1947 से पहले जो एरिया था उस पूरे एरिया को हम पैलेस्टाइन के नाम से जाना जाता था और 1947 में जब ब्रिटेन ने ज्यूइश लोगों को ये कंट्री दे दिया तो उन्होंने उसका नाम रख दिया इसराइल. इसके बाद जो वहाँ पर जो 60-70% पॉपुलेशन थी मुस्लिम्स का, उन लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया और अरब कंट्रीज जो उसके नेबर में आसपास थे उनकी मदद से वहाँ पर अटैक हुआ इसराइल के ऊपर. बट वो 1947 की जो वॉर थी वो चली थोड़े दिनों के लिए और उनमें एक सीज फायर हो गया. एक करीब 20 साल के पीस के बाद 1967 में फिर से अरब कंट्रीज़ ने इसराइल पर अटैक किया था. करीब 20 कंट्रीज़ ने एक साथ इसराइल पर अटैक किया था. ये 6 डेज की वॉर जानी जाती है
और इन 6 days के वॉर के अंदर इसराइल ने सबको हरा दिया था। तो ये सेकेंड टाइम भी वॉर हुआ बट कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। बट फाइनली वहाँ से काफ़ी सारे मुस्लिम्स जो थे वो पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स वहाँ से निकल कर लेबनान जो नॉर्थ में है, जॉर्डन जो ईस्ट में है और साउथ में जो इजिप्ट का एरिया है वहाँ पर वो माइग्रेंट शरणार्थी बन के चले गए थे। तो करीब 20-30% पॉपुलेशन माइग्रेंट्स बन के रिफ्यूजीज बनकर पहले इसराइल से भाग गई थी और वही पैलेस्टिनियंस आज भी डिमांड करते हैं अपने कंट्रीज में वापस आना और अपना कंट्री बनाना। तो ये बेसिकली लड़ाई जो है इसराइल के अंदर एक ज्यूइश जो हैं और मुस्लिम्स जो हैं उनके बीच में चल रही है पिछले 60-70 साल से। 1993 में एक एग्रीमेंट हुआ जहां पर इसराइल ने पैलेस्टीनियंस को दो हिस्से टू पार्ट्स पकड़ा दिए थे उन लोगों को एक कंट्री बनाने के लिए। एक है वेस्ट बैंक और एक है आपका गाजा स्ट्रिप। वेस्ट बैंक के अंदर एक उनका कैपिटल था जेरूसलम जहां पर एक और कंट्रोवर्सी और लड़ाई है जिसकी वजह से कभी भी एग्रीमेंट फाइनली नहीं हुआ। और आज धीरे धीरे पिछले 20-30 साल के अंदर इसराइल ने जो वेस्ट बैंक का हिस्सा जो पैलेस्टीनियंस का था उसके अंदर भी जूश सेटलमेंट यहूदी सेटलमेंट्स हैं वहाँ बनाने शुरू कर दिए और अब धीरे धीरे वो उस एरिया को कब्जा करने की भी कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर टेंशन सिमरिंग हुई है और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा सिविल वॉर और बहुत सारे एक क्लैशेज वहाँ पर होते रहते हैं। एक और न्यूज़ जो पैलेस्टाइन से रिलेटेड ही है बिकॉज पैलेस्टीनियन के लोग जो यहाँ से इसराइल से निकल कर लेबनान जो नॉर्थ में वहाँ चले गए थे वहाँ पर इन्हीं रिफ्यूजीज में से मिलके वहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलके एक पार्टी उन्होंने बनाई थी हिजबुल्ला पार्टी जो काफ़ी पॉपुलर रही है लेबनान के अंदर। बट वो सपोर्ट करती है इन पैलेस्टीनियंस को टेररिस्ट स्ट्राइक के लिए इसराइल में। वही कंट्री जो पार्टी है हिजबुल्ला वो सीरिया में भी फाइट कर रही थी ईरान की मदद से। बेसिकली ये शियाज डोमिनेटेड पार्टी है और ये पार्टी का काफ़ी पॉलिटिकल मूवमेंट चलता रहता है वर्ल्ड में। तो जर्मनी ने अभी लास्ट वीक में हिजबुल्ला पार्टी ऑफ लेबनान को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है और वहाँ विद इन वन डे उन्होंने रेड डालकर करीब 1000 लोगों को अरेस्ट किया। तो हिजबुल्ला जो लेबनान की पार्टी है जो पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करती है सीरिया में उसका काफ़ी इंटरवेंशन है और इसराइल लेबनान के अंदर भी वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल से कर रखती है उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया गया है। Finally, North Korea President Kim Jong-un was seen in public for the first time in 3 weeks, inaugurating a fertilizer plant in Suncheon, जो एक शहर है North Korea के अंदर। इनके बारे में एक rumor कहा जा रहा था कि death हो गई है इनकी last week। एक South Korea की एक news agency है, Yonhap agency, उन्होंने ये rumor, उन्होंने एक news दिया था कि कोई North Korean defector ने एक खबर दी है कि किम जोंग उनका एक हार्ट सर्जरी हुआ था उसके बाद वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और उनकी डेथ हो गई है। बट सेम न्यूज़ एजेंसी ने कल ये न्यूज़ दिया है कि नहीं, उनको इस फर्टिलाइजर प्लांट का इनॉग्रेशन करते हुए पाया गया, वो सही सलामत हैं, ही इज़ सेफ। तो ये वाई नॉर्थ कोरिया इतना पब्लिक इंटरेस्ट में और न्यूज़ में क्यों आता है, इसका रीज़न ये है कि नॉर्थ कोरिया एक कम्युनिस्ट स्टेट है, वहाँ पर उनकी फाइट चल रही है साउथ कोरिया से। मैंने ऑलरेडी इसको वीक 3 के जो वीडियो है उसमें शेयर किया था कोरिया वॉर के बारे में। नॉर्थ कोरिया जो कि एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया है 2006 से, ये एक 1970 में एक ट्रीटी हुआ था परमाणु अप्रसार संधि NPT न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसने वहाँ पर साइन किया था नॉर्थ कोरिया ने कि मैं इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करता हूँ और कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाऊंगा। बट सेम कंट्री ने 2006 में इंटरनेशनल लॉज को और रूल्स को वायलेट करते हुए उसे विड्रॉ कर लिया उस ट्रीटी से, जबकि वो ऐसा नहीं कर सकता था। और उसके बाद उन्होंने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, सब्सिक्वेंटली इन 10 ईयर्स के अंदर उन्होंने अपना वेपन भी बनाया। और जैसे जैसे ट्रंप का इलेक्शन आया था 3-4 साल पहले, तो उन्होंने करीब एक साथ 4-5 न्यूक्लियर टेस्ट और किए और वर्ल्ड को एक डेंजर में पुट कर दिया। साथ में ही नॉर्थ कोरिया ने कुछ मिसाइल्स भी बनाना शुरू कर दिया और वो मिसाइल्स ऐसी हैं जिसकी रेंज इवन जापान और अमेरिका तक जाती है। तो बिकॉज एक कम्युनिस्ट कंट्री जो हॉस्टाइल है साउथ कोरिया से, जापान से और अमेरिका से, और वो चाहता है साउथ कोरिया को अपने अंदर मिलाना और यूनिफिकेशन करना, उसकी ऐसी पेक्युलियर डिमांड है, और वहाँ पर एक डिक्टेटरशिप है जिसको सपोर्ट कर रहा है चाइना और रशिया, तो एक बहुत ही बड़ा ये हॉट जोन बन गया है कोरिया का जो पेनिनसुला है। और यहाँ पर अगर ऐसा प्रेसिडेंट वो वहाँ पर रहे और अपना डिक्टेटरशिप चलाए तो बहुत बड़ा रिस्क होता है। इसीलिए USA चाहता है कि नॉर्थ कोरिया अपने जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं उसे गिव अप करे।
इसी के लिए उन्होंने 2018 में फर्स्ट समिट की थी ट्रंप ने और किम जोंग उन ने सिंगापुर के अंदर, वहां पर एग्रीमेंट भी हुआ था कि डी न्यूक्लियराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक हनोई समिट हुई जहां पर कुछ और स्टेप लिए गए, बट फर्दर प्रोग्रेस अभी चल रहा है। और इसी के दौरान अगर इन प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता। यहां पर यह भी देखा जा रहा है कि शायद किम जोंग उन के बाद चाइना भी इस कंट्री को बहुत मेजरली कंट्रोल कर सकता है, विच इज अ डेंजरस थिंग फॉर जापान, अमेरिका, इवन फॉर द वर्ल्ड। सो वी मस्ट closely watch the news of Korea कि ये किस तरीके से यहाँ पर पीस प्लान जल्दी से सेटअप हो और पीस वहाँ पर प्रिवेल करे। USA placed India on priority watch list for intellectual property violation। उसने इंडिया के अलावा 9 और कंट्रियों को इस वॉच लिस्ट में रख दिया है, जैसे चाइना और सऊदी अरेबिया। उसने अलर्ट किया है कि जो इंडिया में आईपी चैलेंज आ रहे हैं उनके बिजनेस के लिए, बिकॉज जो यूएस बिजनेसमैन हैं वो इंडिया में फेस कर रहे हैं चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फोर्समेंट, चाहे वो सॉफ्टवेयर आईटी प्रोडक्ट्स के अंदर हो, चाहे वो उनके जो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे नकली ब्रांड के जो जूते बिकते हैं और बाकी जो चीज़ें बिकती हैं उनको उसकी रॉयल्टी नहीं मिलती है। तो वो उन्होंने देखा है कि जो उनके कंपनियां हैं उनको इंडिया में बिजनेस करने में लॉसेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? ये बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। वन इज ऑन पेटेंट्स होते हैं, चाहे वो किसी प्रोडक्ट के ऊपर हो सकते हैं या प्रोसेस के ऊपर हो सकते हैं। इंडिया में दो तरह के ये पेटेंटिंग का एक प्रोविजन है, और दूसरा पार्ट होता है कॉपीराइट, जो किसी मूवी के लिए, म्यूजिक के लिए, फोटोग्राफी के लिए एक्सेट्रा एरियाज में दिया जाता है। इंडिया में ये बोला जाता है कि जो इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का, जो राइट्स का प्रॉपर से इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है, और जो यूएस की कंपनियां हैं वो अपना रॉयल्टी जो उनको प्रोडक्ट्स से मिलना चाहिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कहता है कि जो उनके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो ऑफिस है या पावर पॉइंट है उसके सॉफ्टवेयर लोग नहीं खरीदते हैं, और नकली जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर खरीदने की वजह से वो उनको उसकी रॉयल्टी नहीं मिलती है। तो वो चाहते हैं इंडिया इसको प्रॉपरली इन्फोर्स करे, एंड होपफुली ये इसमें इंडिया को भी इसका फायदा होगा, बिकॉज अगर ये चीज़ अगर इंडिया भी रेसिप्रोकेट करता है तो इंडिया के जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो अल्फोंसो आम हो, या कोई भी और चीज़ें जो हमारी फार्मा कंपनीज बना रही हैं उनको भी ग्लोबली बेचने में आसानी होगी। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो वर्ल्ड में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ऑर्गेनाइजेशन है वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो उसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में जिनेवा में है, इन लोगों ने पूरा का पूरा एक कंट्रोलिंग करने के लिए सारा एक सिस्टम बनाया हुआ है। इसके अंदर एक और नया प्रोविजन जो पिछले कुछ सालों में देखा गया वो था जीआई की फैसिलिटी देने का। जीआई इज बेसिकली नोन एज जीआई टैग ऑफ ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन। इसकी वजह से इंडिया के जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, जैसे अल्फोंसो मैंगो हो, चाहे वो अभी अभी कश्मीर की जो केसर है, कश्मीरी सैफ्रॉन, उसको जीआई टैग मिला है। एक बार अगर इंडियन प्रोडक्ट्स को वो सब टैग्स मिलते हैं तो फिर वो फॉरेन में उनकी बिल्कुल उनको पैसे कमाने में फायदा होता है, उनको ऑथेंटिक माना जाता है। तो नेचुरली अगर इंडिया के अंदर भी इन आईपी प्रॉपर्टी राइट्स का इन्फोर्समेंट होगा और इंडियंस भी उस आईपी के जो लॉज को अडॉप्ट करेंगे, उससे उनको भी बिजनेस में फ्यूचर में फायदा होगा। आपको एक बताना चाहता हूँ एक और चीज़, तो इंडिया की जो फार्मा कंपनीज हैं टिल 1991 तक बहुत ज़्यादा ये प्रोडक्ट पेटेंट को नहीं फॉलो करती थी, पर जब से उन्होंने इंडिया वर्ल्ड के लॉज को फॉलो करना शुरू किया है, अपने यहाँ R&D फैसिलिटी, रिसर्च फैसिलिटी स्टार्ट की हैं और नए नए मॉलिक्यूल्स और दवाइयाँ बनाई हैं, वही सेम फार्मा कंपनियाँ आज वर्ल्ड में बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं। इंडिया में टॉप की जो फार्मा कंपनीज हैं वो हैं सन फार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, इप्का लेबोरेटरीज, कैडिला एंड सिप्ला टाइप की कंपनियां हैं, और ये बहुत ज़्यादा इनके पास प्रोडक्ट पेटेंट्स आ गए हैं। इसी की वजह से आपने देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो भी इंडिया से, जो उनकी कोरोना के लिए एक दवाई HCQ बताई गई थी वो भी वो इंडिया से ले रहे हैं। तो अगर इंडिया की फार्मा कंपनी IP राइट्स लेने से फ़ायदा उठा सकती हैं तो बाकी एरियाज में भी डेफिनेटली अडॉप्शन से हमें फ़ायदा होगा। सो ऑन 26 अप्रैल इंटरनेशनल चेर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे मनाया गया। ये UN हर साल 26 अप्रैल को ये डे मनाता है। चेर्नोबिल जो एक USSR का एक सिटी था, जो आज के करंट स्टेटस के हिसाब से यूक्रेन और बेलारूस के बॉर्डर पे आता है, वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था। ऑन 26 अप्रैल 1986 को इस पावर प्लांट में एक ट्रेजिडी हुई, एक्सीडेंट हुआ और उस पावर प्लांट का एक्सप्लोजन हुआ। उसकी वजह से चेर्नोबिल के अंदर जो 5 लाख लोग रहते थे उनको वहाँ से भागना पड़ा।
जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में फैल गए थे, और पिछले 30 साल के अंदर यूक्रेन में और बेलारूस में तकरीबन 80 लाख लोगों को इस रेडियोएक्टिव के जो मटेरियल है, एलिमेंट्स हैं जो सारा फैल गए थे, उसकी वजह से कैंसर और बाकी बीमारियां हुई हैं। तो ये रिमाइंड कराता है वर्ल्ड को कि जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो बहुत सेफ होना चाहिए, हमारी टेक्नोलॉजी प्रॉपर अच्छी होना चाहिए। इसी वजह से आपने देखा होगा 2011 में जापान के अंदर भी एक फुकुशिमा के अंदर ट्रेजेडी हुई थी, एंड दैट इज व्हाई यूएन कंटिन्यूअसली बोलता है और रिमाइंड कराता है वर्ल्ड को 26 अप्रैल कि हमें अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट सेफ और सिक्योर रखने होंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा। श्रीलंका इज सीकिंग इंडियाज हेल्प टू रीपे चाइनाज डेट लोन। वर्ल्ड में देखा गया लास्ट 5 साल के अंदर जब चाइना ने बहुत मेजर एक्सपेंशन किया अपने पॉलिटिकल पावर का भी, फाइनेंशियल पावर का भी, और दुनिया भर में करीब 200 बिलियन डॉलर के लोन बांटे पाकिस्तान को, 40 बिलियन डॉलर अफ्रीकन कंट्रीज को, यूरोप को और इवन श्रीलंका को। बट ये जो लोन थे, ये लोन उन्होंने बांटे थे 17-23% के इंटरेस्ट पे। लोन तो इन लोगों ने ले लिया था, कंट्रीज ने, दे स्टार्टेड डेवलपिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, बट नाउ मोस्ट ऑफ देम आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन पेइंग द इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट्स। इसी के चक्कर में पूरा वर्ल्ड में काफी सारे कंट्रीज अब चाइना के डेट ट्रैप में फंस गए हैं। श्रीलंका इज द लेटेस्ट विक्टिम, पाकिस्तान इज ऑलरेडी बिकम विक्टिम बिकॉज ऑफ दैट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। श्रीलंका ने अभी अभी जब देखा कि जब वो लोन नहीं पे कर पा रहे हैं तो उन्होंने अपना एक पोर्ट भी है जो साउथ में श्रीलंका की है, हंबनतोता, उसको चाइना को टिक दे दिया 99 ईयर की लीज पे बिकॉज वो उनका लोन नहीं पे कर पाए थे। बट इससे इंडिया को सिक्योरिटी थ्रेट होता है, तो अब इंडिया ने उनको, श्रीलंका को एक सपोर्ट और लैंड किया है सपोर्ट कि आपको लोन रीपे करने के लिए हम आपको मदद करेंगे, बट काइंडली इंश्योर आगे से फ्यूचर में ऐसा चाइनीज का अराइवल इंडिया श्रीलंका में ना हो। सो इंडिया अभी अभी $500 million का एक सपोर्ट दिया है श्रीलंका को चाइना का लोन रीपे करने के लिए। कोरोना ग्लोबल अपडेट। वर्ल्ड में अब तक टोटल नंबर ऑफ केसेस 35 लाख को भी क्रॉस कर गए हैं, जिसमें नंबर ऑफ डेथ जो है वो 2.5 लाख हो गई हैं अब तक। यूएसए के अंदर केसेस जो हैं 11,30,000 हैं और मरने वालों की संख्या करीब 65,000 क्रॉस कर चुकी है। इंडिया में भी ये अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है, अब तक 40,000 केसेस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें से करीब 3,000 लोगों की डेथ हो रही है, और अब ये डे बाई डे ये नंबर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने जो उन्होंने लॉकडाउन का जो पीरियड था वो 4 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है, तो एक तरीके से अब लॉकडाउन 3.0 इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजी फॉलो की है जहां पर इंडिया के 733 जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो बहुत हॉट जोन्स हैं उन्हें रेड जोन बोला गया है, जिसमें 130 डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑरेंज जोन में 284 डिस्ट्रिक्ट हैं, और ग्रीन जोन के अंदर 319 डिस्ट्रिक्ट हैं। ऑरेंज और ग्रीन जोन के अंदर कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है मूवमेंट्स का और बिजनेस सर्विसेज स्टार्ट करने का, बट रेड जोन के अंदर सब कुछ बंद है। इंडियन गवर्नमेंट ने साथ में ही इस कोविड क्राइसिस को टैकल करने के लिए कुछ फॉरेन एजेंसीज से लोन भी लिया है। वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन का लोन दिया है, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $2.2 बिलियन का, और जो चाइना की एजेंसी है AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उन्होंने इंडिया को $500 million का लोन दिया है टू टैकल कोविड क्राइसिस।